हम कर रहे हैं टॉपिक कंटेम्प्रेरी साउथ एशिया। चैप्टर है हमारा साउथ एशिया का, जिसमें हम साउथ एशिया के कंट्रीज़ के बारे में पढ़ रहे हैं। इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, श्रीलंका और मालदीव्स, ये 8 कंट्री मिलके साउथ एशिया बनता है। ये मैंने आपको कल पढ़ाया था। उसके बाद मैंने आपको बताया था कि साउथ एशिया में किस देश में डेमोक्रेसी है, किस देश में मिलिट्री रूल है, ये चीज़ें हमने करी थी, किस देश में मोनार्च रूल है, ये सब कुछ हमने किया था। पर साथ ही मैंने आपको ये बताया था कि ये सारे कंट्री पर चाहते क्या है, ये सारे कंट्री डेमोक्रेसी चाहती है, ये हमने कल पढ़ लिया था, ठीक है। उसके बाद हम नेक्स्ट करते हैं पेज स्टार्ट। सिमिलर चेंजेस आर टेकिंग प्लेस इन द टू स्मॉलेस्ट कंट्रीज ऑफ द रीजन। अब जो दो छोटे कंट्री हैं इस रीजन के, उनकी बात कर लेते हैं। पहले हम बात करते हैं भूटान की। भूटान आपको याद है ना इंडिया के मैप में कहाँ है, तो भूटान में क्या है, भूटान में कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्च है, यानी कि वहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन भी बना हुआ है और एक राजा भी रूल करता है। ये चीज़ भूटान में रही 2008 तक। उस टाइम जो किंग था उसकी लीडरशिप के अंडर किंग ने खुद ही मल्टी पार्टी डेमोक्रेसी इमर्ज करवाई थी भूटान। देखो जब आसपास कोई आसपास के सारे कंट्री डेमोक्रेटिक हो रहे हैं, तो भूटान के किंग ने खुद ही क्या किया, मल्टी पार्टी डेमोक्रेसी एस्टेब्लिश करी भूटान में। उसके बाद हम बात करते हैं मालदीव्स की। मालदीव याद है आपको, लक्षद्वीप आइलैंड के साथ नीचे आइलैंड है मालदीव्स। मालदीव्स एक आइलैंड नेशन है। पहली बात तो आइलैंड किसे कहते हैं, वो ज़मीन का टुकड़ा जिसके चारों तरफ पानी हो, उस ज़मीन को हम आइलैंड कहते हैं। तो मालदीव्स के चारों तरफ पानी है, इसलिए मालदीव्स क्या है, एक आइलैंड नेशन है। मालदीव्स में सल्तनत का रूल था कौन से ईयर तक, 1968 तक वहाँ पे सल्तनत का रूल था। उसके बाद उसे एक रिपब्लिक बनाया गया। देखो रिपब्लिक में का मतलब भी यही होता है भी लोगों के द्वारा चुने हुए लोग हों, पर यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर को हेड नहीं बनाया गया, यहाँ पे प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बनाई गई, जैसे कि आजकल यूएसए में है, वहाँ पे प्रेसिडेंट हेड है कंट्री का। हमारे कंट्री में कंट्री का गवर्नमेंट का हेड कौन है, हमारे कंट्री में गवर्नमेंट का हेड प्राइम मिनिस्टर होता है ना, पर यहाँ पे मालदीव्स में प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को चूज किया गया, प्रेसिडेंट को कंट्री का गवर्नमेंट का हेड बनाया गया। जून 2005 में जो पार्लियामेंट थी मालदीव्स की, उन्होंने वोटिंग की अनएनिमसली, होता का मतलब होता है सर्वसम्मति से, अनएनिमसली मतलब सबकी सहमति से उन्होंने वोटिंग की और अपनी कंट्री में मल्टी पार्टी सिस्टम शुरू किया मालदीव्स की पार्लियामेंट में। और मालदीवियन डेमोक्रेटिक पार्टी MDP वो वहाँ के सारे पॉलिटिकल अफेयर्स में सबसे आगे रहती थी, जैसे इंडिया में कांग्रेस पार्टी और बीजेपी पार्टी रहते हैं सबसे आगे, तो मालदीव्स में द मालदीवियन डेमोक्रेटिक पार्टी सबसे आगे रहती थी। और जो मालदीवियन डेमोक्रेटिक पार्टी थी वो वहाँ पे 2018 में इलेक्शंस भी जीत गई। तो सब सारा समझाया आपको। तो अच्छा मुझे ये बताओ कि मालदीव्स में जो मेन वहाँ की पॉलिटिकल पार्टी है उसका नाम क्या है, मालदीव की मेन डेमोक्रेटिक पार्टी का नाम क्या है, फर्स्ट क्वेश्चन है ये आपका। सेकंड क्वेश्चन मुझे ये बताओ आप, मालदीव्स जो है वहाँ पे प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट कौन से ईयर में बनी, मालदीव्स में प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट कौन से ईयर में बनी, ठीक है, सेकंड क्वेश्चन है मेरा। थर्ड क्वेश्चन है, कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्च इंडिया के नेबरिंग कंट्रीज में, एक छोटे से कंट्री में कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्च है, उस छोटे से कंट्री का क्या नाम है, ये मेरा थर्ड क्वेश्चन है। आंसर टाइप करके भेजो, ठीक है, वेरी गुड। आंसर 1, 2, 3 भी लिखो कि कौन सा 1 है, कौन सा 2 है, कौन सा 3 है। उसके बाद है, डिस्पाइट द मिक्स्ड रिकॉर्ड ऑफ डेमोक्रेटिक एक्सपीरियंस। अब हमारे तो आप सारे कंट्रीज देख लिए, सारे कंट्रीज में अलग अलग डेमोक्रेटिक एक्सपीरियंस है, मतलब किसी में डेमोक्रेसी है किसी में नहीं है, पर द पीपल इन ऑल द कंट्रीज, पर एक चीज़ सब में है। पहला क्या पूछा मनप्रीत, फर्स्ट क्वेश्चन तो है आपका बेटा कि कौन सी पॉलिटिकल पार्टी है, दूसरा क्वेश्चन है कौन से ईयर में प्रेसिडेंशियल गवर्नमेंट बनी थी, तीसरा क्वेश्चन है कि
कौन सा ऐसा छोटा सा कंट्री है जिसमें कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्च है। स्क्रीन पे मैंने 1, 2, 3 लिखे हुए हैं। कहते मिक्स्ड रिकॉर्ड है डेमोक्रेसी का इंडिया में, साउथ एशिया में, पर यहाँ के जो लोग हैं उनमें लगातार डेमोक्रेसी को लेके एस्पिरेशंस हैं, उनकी इच्छाएं लगातार है कि डेमोक्रेसी हो हमारे देश में। एक रीसेंट सर्वे किया तो ये पता चला कि जो लोग हैं, एटीट्यूड ऑफ 5% एट पीपल इन द 5 बिग कंट्रीज ऑफ द रीजन शो दैट, 5 बड़े देशों में सर्वे किया तो उससे ये समझ आया कि देर इज़ वाइड स्प्रेड सपोर्ट फॉर डेमोक्रेसी, कि सारे देशों में जो लोग हैं उनके अंदर डेमोक्रेसी को लेके सबसे ज़्यादा फीलिंग्स हैं, वो चाहते हैं कि डेमोक्रेसी ही हो हमारे देश में, चाहे वो आम सिटीज़न हो, चाहे वो अमीर हो या गरीब हो, या वो किसी भी रिलीजन से पर्सन बिलोंग करता हो, सभी के व्यूज़ जो थे, आइडियाज़ जो थे डेमोक्रेसी के प्रति पॉजिटिव थे। यानी कि सारे लोग जो हैं साउथ एशिया के, वो अपने अपने देश में डेमोक्रेसी ही चाहते हैं, चाहे अमीर हों वो, चाहे गरीब हों, चाहे आम सिटीज़न हो, और वो सारे डेमोक्रेसी के जो इंस्टीट्यूशंस हैं उनकी रिस्पेक्ट करते हैं। वो सारे चाहते हैं कि हमें डेमोक्रेसी के इंस्टीट्यूशंस दो, हमें रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी दो। रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी क्या होती है? जब इलेक्शंस के ज़रिए अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को या अपने लीडर्स को चूज़ किया जाता है। तो दे प्रेफर डेमोक्रेसी ओवर एनी अदर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, जो इंडिया के, बांग्लादेश के, श्रीलंका के, मालदीव्स के, सारे साउथ एशिया के देशों के लोग हैं वो डेमोक्रेसी को ही बेटर समझते हैं और किसी अदर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को वो प्रेफर नहीं करते, और वो ये सोचते हैं कि डेमोक्रेसी ही उनके देश के लिए सूटेबल है। देयर आर सिग्निफिकेंट फाइंडिंग्स फॉर इट वॉज अर्लियर बिलीव। कहते एक ये चीज़ देखी गई है कि इट वॉज अर्लियर बिलीव्ड, पहले ये सोचा जाता था कि डेमोक्रेसी सिर्फ वहीं फ्लोरिश हो सकती है जो कंट्रीज वर्ल्ड के प्रॉस्पेरस हैं, जो कंट्रीज वर्ल्ड के अमीर हैं, सिर्फ उन्हीं देशों में डेमोक्रेसी जो है वो फ्लोरिश हो सकती है। पर साउथ एशिया के एक्सपीरियंस ने, डेमोक्रेसी के एक्सपीरियंस ने पूरे वर्ल्ड को ये बता दिया है कि लोगों की जो इमेजिनेशन थी डेमोक्रेसी के बारे में पूरे वर्ल्ड की, वो चेंज कर दी है हमने। क्योंकि साउथ एशिया के देश चाहे ज़्यादा अमीर नहीं है, फिर भी साउथ एशिया के देशों ने डेमोक्रेसी को एस्टेब्लिश किया है। तो मैं स्क्रीन चेंज करती हूँ बेटा, वेट करो एक मिनट। मैंने आपको करवा ही दी ना कि साउथ एशिया का एक्सपीरियंस जो है उसने लोगों की सोच को चेंज कर दिया है। तो कहते हैं अब हम डेमोक्रेसी का एक्सपीरियंस देखते हैं 4 बड़े देशों में। तो सबसे पहला हम देश चूज करते हैं पाकिस्तान, ठीक है। पाकिस्तान में द मिलिट्री एंड डेमोक्रेसी इन पाकिस्तान, पाकिस्तान में मिलिट्री रूल और डेमोक्रेसी के बारे में हम पढ़ते हैं। देखो बेटा, ये जो पेज है ये लिटिल बिट लर्निंग वाला पेज है, इसमें आपको कई सारे पाकिस्तान के रूलर्स के नेम याद करने होंगे, इसलिए हम स्लोली स्लोली कर लेंगे, ठीक है। तो इसको ज़रा ध्यान से करना, पर ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आने के चांस इसके बहुत ज़्यादा होते हैं इस क्वेश्चन के। तो कहते हैं पाकिस्तान, आफ्टर पाकिस्तान फ्रेम्ड इट्स फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन, क्वेश्चन को ध्यान से लाइन टू लाइन करते जाओ कि पाकिस्तान में जब इसका पहला कॉन्स्टिट्यूशन बना, देखो पाकिस्तान भी हमारे साथ, इंडिया के साथ 1947 में ही आज़ाद हुआ था। पाकिस्तान भी जब इंडिया आज़ाद हुआ 1947 में, तभी पाकिस्तान हुआ। तब जब पाकिस्तान में भी हमारे जैसे हमारे देश में कॉन्स्टिट्यूशन बना, तो पाकिस्तान में कॉन्स्टिट्यूशन बना। तो पाकिस्तान में जब कॉन्स्टिट्यूशन बना तो जनरल अयूब खान है, ध्यान से ये नाम याद कर लो, जनरल अयूब खान। सबसे पहले कौन आया है? अयूब खान। उस बंदे ने कंट्री की एडमिनिस्ट्रेशन संभाली ऑफ द कंट्री एंड सून गॉट हिमसेल्फ इलेक्टेड, और उसके बाद इलेक्शंस हुए और जनरल अयूब खान डेमोक्रेसी वहाँ पे आ गई और जनरल अयूब खान कंट्री का प्राइम मिनिस्टर बन गया, ठीक है। ही हैड टू गिव अप ऑफिस व्हेन देयर वाज पॉपुलर डिससेटिस्फेक्शन अगेंस्ट हिज रूल, पर जब उसके रूल के खिलाफ लोगों में डिससेटिस्फेक्शन दिखाई दी तो जनरल अयूब खान को अपनी पावर छोड़नी पड़ी, और उसके बाद जो मिलिट्री थी पाकिस्तान की उसने टेक ओवर कर लिया, मिलिट्री ने टेक ओवर कर लिया वंस अगेन अंडर। अब दूसरा रूलर कौन आ गया? रूलर के नेम को मैं रेड कलर से अंडरलाइन कर रही हूँ,
याहया खान, ये आपको नाम याद करनी है। पहले अयूब खान था, अयूब खान के रूल को लोगों ने डिससेटिस्फाइड हो गए लोग अयूब खान के रूल से, तो दूसरे नंबर पे जनरल याया खान पाकिस्तान का मिलिट्री हेड बना। जब याया खान का मिलिट्री रूल चल रहा था उसी टाइम पाकिस्तान ने बांग्लादेश क्राइसिस को फेस किया। अब बांग्लादेश क्राइसिस को ध्यान से समझाने के लिए मुझे ये मैप लेके आना पड़ेगा इंडिया का, कोई स्टूडेंट भेजना इंडिया का मैप जिसमें बांग्लादेश भी शो हो रहा हो, ठीक है। उसके बाद बांग्लादेश का एक क्राइसिस हुआ था, बांग्लादेश के साथ एक वॉर हुई थी जो मैं आपको समझाऊंगी। उस वॉर के बाद वो वॉर हुई थी इंडिया और पाकिस्तान की 1971 में, 1971 में। तो उस टाइम पाकिस्तान का हेड कौन था? जनरल याया खान, ये चीज़ याद कर लो आप। जब इंडिया पाकिस्तान की वॉर हुई थी 1971 में, उस टाइम पाकिस्तान का हेड था जनरल याया खान। ईस्ट पाकिस्तान ब्रोक अवे टू एमर्ज एन इंडिपेंडेंट कंट्री कॉल्ड बांग्लादेश। ईस्ट पाकिस्तान जो था वो, ये मुझे ना आपको दिखाना ही पड़ेगा, जस्ट वेट, मैं मैप लेके आती हूँ, ठीक है, इंडिया का वेट करो। हाँ जी बेटे देखो, ये इंडिया का मैप है डैनी, थैंक यू बेटा। इस मैप में देखो ये है बांग्लादेश, ठीक है, ये है पाकिस्तान और ये है बीच में इंडिया। अब प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है, जब हमारा देश आज़ाद हुआ ना तो ये तो था वेस्ट पाकिस्तान, क्योंकि वेस्ट डायरेक्शन है, और ये बांग्लादेश नहीं था उस टाइम, ये ईस्ट पाकिस्तान था, यानी कि ये पाकिस्तान था जब हमारा देश आज़ाद हुआ। वेस्ट पाकिस्तान और ईस्ट पाकिस्तान की आपस में कोई प्रॉब्लम हो गई, क्योंकि ईस्ट पाकिस्तान वालों को लगता था कि वेस्ट पाकिस्तान वाले उनकी तरफ ध्यान नहीं दे रहे, तो वेस्ट पाकिस्तान के लोग खुश नहीं थे। यहाँ पे याया खान का रूल था, याहया खान का रूल था, 1971 की बात है, 1971 की बात है, एक मिनट, ठीक है। और वो पाकिस्तान बांग्लादेश को के कारण इंडिया और पाकिस्तान में वॉर हो गई, क्योंकि पाकिस्तान को लगता था कि हम बांग्लादेश को प्रमोट कर रहे हैं, ठीक है। इस वॉर का नतीजा ये निकला कि पाकिस्तान हार गया वॉर, और पाकिस्तान के हारने के बाद हमने बांग्लादेश को इंडिपेंडेंट कंट्री बना दिया। बांग्लादेश अब एक अलग कंट्री बन गया, इंडिपेंडेंट कंट्री बन गया। बांग्लादेश का नाम अब ईस्ट पाकिस्तान नहीं, ये एक अलग देश बन गया बांग्लादेश। ये सब कुछ हुआ था 1971 में, इस चीज़ को आप अच्छे से याद कर लो, ठीक है। और उस टाइम पाकिस्तान में कौन था? जनरल याहया खान था। जस्ट वेट, में स्क्रीन चेंज कर लूँ बेटा। अब देखो, अब यहाँ पे इसलिए लिखा हुआ ना कि जनरल याया खान था, तब वहाँ पे मिलिट्री रूल था पाकिस्तान में, तब उनको बांग्लादेश क्राइसिस को फेस करना पड़ा, और इंडिया के साथ उनकी वॉर हुई 71 में। तो ईस्ट पाकिस्तान जो था वो ब्रोक अवे हो गया, टूट गया, और एक अलग कंट्री बन गया बांग्लादेश। आफ्टर दिस एन इलेक्टेड गवर्नमेंट, इसके बाद एक, जब लोगों को अब मिलिट्री रूल पसंद आना हट गया, पहले अयूब खान बना, फिर जनरल याया खान बना, अब फिर से इलेक्शन हुए, और इस बार जो गवर्नमेंट बनी वो डेमोक्रेसी की गवर्नमेंट बनी, जुल्फिकार अली भुट्टो। देखो ये डेमोक्रेटिक रूलर था, ये मिलिट्री रूलर था, ये फिर डेमोक्रेटिक रूलर आ गया। पाकिस्तान में ऐसे ही पावर चेंज होती रही, तो अब डेमोक्रेटिक रूलर आ गई जुल्फिकार अली भुट्टो, ये पावर में आ गई पाकिस्तान में। ये लेडी थी, नहीं बेनजीर भुट्टो, सॉरी लेडी थी, ये तो मेल ही है। जुल्फिकार अली भुट्टो पावर में आ गए, और पाकिस्तान में 1971 से लेके 1977 तक डेमोक्रेसी रही। जुल्फिकार अली भुट्टो के बाद गवर्नमेंट फिर से रिमूव हो गई, और जनरल याया उल हक के पास गवर्नमेंट चली गई, यानी कि फिर से पाकिस्तान में मिलिट्री रूल आ गया। गवर्नमेंट किसके पास चली गई? जनरल याया उल हक, कौन से ईयर में? 1977 में। तो यहाँ तक मैंने आपको चार रूलर पढ़ा दिए, पहले मैंने आपको अयूब खान पढ़ाया, उसके बाद मैंने आपको जनरल याया खान के बारे में बताया जब बांग्लादेश अलग कंट्री बन गया, फिर मैंने जुल्फिकार अली भुट्टो इलेक्शंस के जरिए जीते, डेमोक्रेसी आई, फिर जनरल याया उल हक, इन्होंने फिर से जनरल अली भुट्टो, जुल्फिकार अली भुट्टो की सरकार को गिरा दिया, और फिर मिलिट्री रूल पाकिस्तान में आ गया। चार मैंने आपको पढ़ा दिए। उसके बाद क्या हुआ? लोगों ने मूवमेंट चला दी 1982 में,
भी हमें तो डेमोक्रेसी दो, हमें मिलिट्री रूल नहीं चाहिए। लोगों ने ये मूवमेंट चलाई। जस्ट वेट, ये आगे दिख नहीं रहा मुझे, आपको आपके पास बुक्स हैं मैं पढ़ा दूँ यहीं से। तो भुट्टो वाज गवर्नमेंट वाज रिमूव्ड बाय जनरल याया उल हक इन 1977। जनरल जाया फेस द प्रो डेमोक्रेसी मूवमेंट इन 1982। दोबारा से स्क्रीन शेयर करनी पड़ेगी ना, एक मिनट वेट कर लो। आगे देखो, अब मैंने आपको कहाँ तक पढ़ा दिया, मैंने जनरल जाया खान के बारे में बता दिया ना आपको। तो जनरल जाया खान के बारे में मैंने आपको बताया, बांग्लादेश क्राइसिस हुए, उसके बाद जुल्फिकार अली भुट्टो की गवर्नमेंट आ गई, डेमोक्रेसी की सरकार आ गई। तो भुट्टो को रिमूव किसने किया, जनरल जाया उल हक ने। फिर मिलिट्री गवर्नमेंट आ गई, जिसके नाम के आगे जनरल लग गया वो तो मिलिट्री वाला ही है ना, अंडरस्टूड है। तो जनरल जो जाया था ना, उसके टाइम में लोगों ने मूवमेंट चला दी, प्रो डेमोक्रेटिक मूवमेंट। प्रो डेमोक्रेटिक मूवमेंट का मतलब होता है लोकतंत्र के समर्थन में, कि हमें डेमोक्रेसी चाहिए, मूवमेंट चला दी। और उन्होंने इलेक्टेड डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट फिर से एस्टेब्लिश हो गई, कहाँ पे, पाकिस्तान में 1988 में। और तब जो इलेक्टेड डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट से जो प्राइम मिनिस्टर बनी, वो बनी बेनजीर भुट्टो। ये फिर डेमोक्रेसी आ गई, ठीक है। तो इन द पीरियड दैट फॉलोड पाकिस्तानी पॉलिटिक्स सेंटर्ड अराउंड द कॉम्पिटिशन बिटवीन हर पार्टी। पर जब बेनजीर भुट्टो आई, उस टाइम पाकिस्तान में पार्टी सिस्टम चल पड़ा, पॉलिटिकल पार्टियां आपस में लड़नी शुरू हो गई। दो मेन पॉलिटिकल पार्टियां थी उस टाइम, द पाकिस्तानी पीपल्स पार्टी थी एक, और एक मुस्लिम लीग थी। पाकिस्तानी पीपल्स पार्टी एक थी और दूसरी मुस्लिम लीग थी। तो उस टाइम जब बेनजीर भुट्टो थी, तो पाकिस्तान में एक प्रॉपर पार्टी सिस्टम चल पड़ा था। तो यहाँ तक हमने कर लिया आज, बाकी हम कल करते हैं बेटा, क्योंकि हमारा, ठीक है, थैंक यू बच्चे।